नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के बाद गाय माता को एक खास चीज खिला देने मात्र से ही भगवान कान्हा की कृपा से हर दुख दर्द दूर होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है और जिंदगी सुख समृद्धि से भर जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। इसे अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कहा जाता है। दोस्तों, ये एक प्रकृति की पूजा है, हमारे वातावरण पर्यावरण की पूजा होती है, जिसका आरंभ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार पर्वत के रूप में गोवर्धन की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाती है और उसके बाद आर्थिक संबंधता धन पैसे के लिए कौन सा उपाय करें उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपने गोवर्धन पूजा के दिन घर पर सुबह जल्दी प्रातःकाल शरीर पर तेल को अच्छी तरह से लगाकर उसके बाद ही आपने स्नान करना है। उसके बाद दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनानी है। जो भी आपके घर का मुख्य द्वार हो, उस द्वार पर एक गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई है। दोस्तों, वो गोबर से बनाना है। पास में ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति भी आपने बना देना है। इतना बनाने के बाद अच्छी तरह देख लें कि सारा कुछ अच्छी तरह से बन गया है, तो उसके बाद मध्य में, बिल्कुल बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बाल ग्वाल और गोवर्धन पर्वत का षोडशोपचार विधि से पूजन करें, पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं। दोस्तों, उसके बाद आप गोवर्धन पूजा की कथा सुनें, प्रसाद वितरण करें और सबके साथ भोजन करें। दोस्तों, इसके बाद आपने धन पैसे संपत्ति के लिए गाय माता की पूजा अर्चना करने के बाद गाय माता से जुड़ा एक खास उपाय आपने करना है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय गौ माता लिखकर हमें भेज दें। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के बाद आपने गाय माता को सबसे पहले अच्छी तरह से नलाना धुलाना है, यानी इस गाय माता को नलाकर एकदम शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आपने गाय माता को एक कुमकुम का तिलक करना है। दोस्तों, गाय माता को तिलक करने के बाद गाय माता को फल खिलाएं। अगर आपके पास केले हैं तो आप केले, सेब, कोई भी फल खिला सकते हैं और उसके बाद आपने गाय माता को चारा खिला देना है। दोस्तों, गाय माता को चारा खिलाने के बाद गाय माता के कान में आपकी ज़िंदगी में आ रही कोई भी समस्या, चाहे धन संबंधी समस्याएं हो, चाहे दोस्तों शारीरिक समस्याएं हो, किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ हो या दूसरी कोई बाधाएं आ रही है आपके करियर में, वो गाय माता के कान में जो भी आपकी मनोकामना हो वो बता देना है और उसके बाद गाय माता को हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ने के बाद दोस्तों, गाय माता की 7 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा जैसे घड़ी घूमती है दोस्तों, वैसे ही आपने गाय माता की 7 बार परिक्रमा करनी है। उसके बाद आपने गाय के खुर के पास की मिट्टी ले लेना है। जहाँ पर गाय माता खड़ी थी, उस जगह से जहाँ गाय माता के खुर थे, उस खुर से वो मिट्टी उठा लेनी है और मिट्टी को उठाकर दोस्तों आपने कांच की शीशी में भर लेना है। वो कांच की शीशी में भरने के बाद आप अपने घर पर
तिजोरी में उसको सुरक्षित रख देना है। दोस्तों, ऐसा करने से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्याएं हो, चाहे बड़ी से बड़ी गरीबी और दरिद्रता हो, वो दूर चली जाती है और व्यक्ति हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि स्वयं कान्हा जी की कृपा से माता लक्ष्मी का निवास जो है उस व्यक्ति के घर पर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपने अन्नकूट की पूजा करनी है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र और अग्नि की पूजा की जाती है, साथ में गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और उन्हें फल और मिठाइयाँ खिलाई जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रकृति कृति बनाई जाती है। उसके बाद उसकी पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उपासना की जाती है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनना आवश्यक है। ऐसा करने से भाइयों के बीच, परिवार की हर सदस्यों के बीच प्रेम, विश्वास का जो डोर है वो मजबूत होता जाता है। दोस्तों, भोजन में आप अलग अलग प्रकार के पकवान बना सकते हैं, लेकिन बनना एक ही रसोई से चाहिए, वो ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, स्वयं माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पधारेगी, क्योंकि ऐसा उसी घर में किया जाता है जिस घर में सकारात्मकता और सज्जनता भरी हो, जिस घर में गोवर्धन और अन्नकूट और गाय माता की पूजा होती हो, उस घर से नकारात्मकता जो होती है वो हमेशा के लिए दूर चली जाती है और उसकी जगह सकारात्मकता आ जाती है। और दोस्तों, जहाँ पर सकारात्मकता होती हो वहाँ पर स्वयं माता लक्ष्मी जी का निवास होता है, देवी देवताओं का निवास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वहाँ पर निवास हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ लक्ष्मी लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद खुशी होगी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल वाला बटन नहीं दबाया है, तो लाल वाला बटन दबा दें और उसके पास घंटी वाला बटन को अवश्य ही दबा दें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय गौ माता, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।